मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गोलघर स्थित गांधी आश्रम पहुंचकर उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया। उसके बाद चरखा चलाकर बापू को याद किया। उन्होंने गांधी आश्रम में सूत कातने की विधि को देखा। खादी व ग्रामोद्योग के वस्त्रों को देखने के बाद खादी के वस्त्र भी खरीदे। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र के मूल्यों से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी दुनिया इसे देख चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर नमन कर रहा है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी सत्य अहिंसा का पालन करते हुए उन अंग्रेजों को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे ग्राम पंचायतों में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। जो मार्ग महात्मा गांधी ने दिखाया था, उनके लिए स्वच्छता का अभियान भी महत्वपूर्ण था। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देश वासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का परिणाम था कि स्वदेशी सत्य और अहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन भारत की आज़ादी के आंदोलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई में यह साबित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बापू के प्रति नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में स्वच्छांजलि का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित चल रहा है। हम सब जानते हैं बापू को जहां स्वदेशी, स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग उन्होंने बता करके लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया, वहीं स्वच्छता भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारत आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। एक तरफ बापू के प्रति नमन और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का उद्घोष करके पूरे भारतवासियों को सुरक्षा के प्रति भी और आत्मनिर्भरता के प्रति भी आह्वान करने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, पूज्य बापू के परम अनुयायी भी थे। आज इन दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रति नमन करने का एक अवसर है। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इन दो महान सपूतों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।